हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स प्लस में आपका स्वागत है। और आज का सेशन और आने वाले कुछ सेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आधारित होंगे, जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 से है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ये ग्रीक वर्ड से आया है, दो पार्ट है, ट्रिगोन और मेट्रोन। मीनिंग होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल या त्रिभुज के साइड्स को मेजर करने का टेक्निक को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार हुआ था वो एक ट्राइंगल के ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया था, लेकिन आजकल इसका हर क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इवन म्यूजिक सेक्टर में भी उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। क्लास 10 में भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, वो बेसिक था और ये उसका एडवांस वर्जन आप कह सकते हो। पहले हम देखते हैं कि एंगल क्या होता है और एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई रे है ओ ए और वो एक एंटी क्लॉकवाइज अगर एक एंगल बनाता है थीटा, जिसको ओ को हम लोग वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाने को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। वही रे अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा, ओ ए मूव होकर के ओ ए बी हो गया, ये भी बी था, अगर ये क्लॉकवाइज आया, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है, घड़ी की सुई के डायरेक्शन में अगर मोमेंट होता है तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी की सुई के उल्टा डायरेक्शन में अगर मोमेंट होता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंगल मोमेंट को हम लोग कहेंगे नेगेटिव एंगल। एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका इस्तेमाल होता है। जिस पॉइंट पे वो रे मूव करता है और एंगल बनाता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये वर्टेक्स हुआ, यहाँ पे ये वर्टेक्स हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो रे है, उसको हम लोग इनिशियल साइड कहेंगे, और जो मूवमेंट होकर के जो नया रे है उसको हम लोग टर्मिनल साइड कहेंगे, टर्मिनल साइड। सिमिलरली ये भी टर्मिनल साइड हो गया और ये इनिशियल साइड। कितने तरीके से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं? एंगल को हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। तो डिग्री मेजरमेंट क्या है और रेडियन मेजरमेंट क्या है, पहले हम लोग देखते हैं डिग्री मेजर। डिग्री किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जैसे कोई सेकंड की सुई घड़ी की, पहले 12 पे, फिर 3 पे, फिर 6, 9, मतलब 60 सेकंड में वो एक पूरा चक्कर लगाती है, तो एक मिनट होता है। तो वो सेकंड की सुई घूमते घूमते पूरा एक पूरा कंप्लीट जब चक्कर लगाती है तो कितना डिग्री बनाती है वो सेंटर पे? 360 डिग्री। तो 60 सेकंड में वो 360 डिग्री का एंगल बना देती है, और दिस इज़ वन रिवॉल्यूशन एट द टिप। यहाँ से होते हुए वो एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। यहाँ से यहाँ जाने में कितना एंगल बनाएगी वो? यहाँ से यहाँ जाने में 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ आने में कितना डिग्री बनाएगी? 180 डिग्री, और यहाँ से लेकर 9 तक 270 डिग्री, और वापस पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 360 डिग्री। तो जो डेफिनेशन है डिग्री का वो है, इफ़ एज रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड,
ये इनिशियल सेट हुआ और ये टर्मिनल सेट कहलाया, ये टर्मिनल सेट कहलाया, ये टर्मिनल सेट कहलाया, फिर वापस ये टर्मिनल सेट कहलाया। घूमते हुए जब वापस आया तो स्टार्टिंग में इनिशियल सेट कहलाई, लेकिन जब सर्किल पूरा करते हुए वापस जब अपने जगह पे पहुंची तो इनिशियल सेट और टर्मिनल सेट कंसेट कर जाएगा और वो एंगल बनाएगा 360 डिग्री सेंटर पे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं ओ, ओ ए एंटी क्लॉक घूमते हुए वापस ओ भी बनाया जहाँ पे इनिशियल सेट और टर्मिनल सेट सेम हो गया, तो ये क्या एंगल, क्या एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री। सिमिलरली इनिशियल सेट ओ ए था, वो एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री एंगल बनाते हुए टर्मिनल साइड बना, वो ओ भी बना। सिमिलरली ओ ए इनिशियल साइड था, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री हुआ, तो ये टर्मिनल साइड है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। तो प्लस 45 डिग्री इसको लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे प्लस 360 डिग्री, इसको भी लिखेंगे प्लस 270 डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज देख रहे हैं, ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और ये है टर्मिनल साइड, क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो इसको हम लोग नेगेटिव एंगल से डिनोट करेंगे एंड वी कॉल इट माइनस 30 डिग्री। तो डेफिनेशन है डिग्री का, वो है इफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड एक रिवॉल्यूशन का, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/360 भाग को एक डिग्री कह सकते हैं, तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/360 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये भी हुआ कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री बनेगा, हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। 1/4 रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। आप क्लॉक का एग्जांपल लेते हैं, हाँ जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 एक घड़ी है, घड़ी में अगर सेकंड का जो सुई है वो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन किया तो कितना डिग्री बनाया, 360 डिग्री। अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन किया, ऐसे था 12 से घूमते हुए 3 होते हुए 6, मतलब आधा चक्कर काटा, तो आधा चक्कर में कितना डिग्री बनाया, 180 डिग्री। 12 से 3 मीन्स 1/4, 1/4 रिवॉल्यूशन कितना डिग्री बनाया, 12 से 3 के बीच 90 डिग्री। क्लियर है। मिनट को अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि मिनट का डेफिनेशन क्या होता है, तो मिनट का डेफिनेशन है 1/68 ऑफ ए डिग्री, एक डिग्री का 60वां भाग को मिनट बोलते हैं। मतलब एक डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक मिनट कितना हो गया, 1/60 डिग्री। सिमिलरली अगर सेकंड का परिभाषा बोला जाए मैथमेटिक्स टर्म में कि सेकंड किसको बोलते हैं, तो वो है 1/68 ऑफ अ मिनट, एक मिनट का 60वां भाग सेकंड कहलाएगा। तो एक मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, यहाँ दो लाइन खींच करके सेकंड को डिनोट करते हैं, तो एक मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट। अगला एंगल मेजरमेंट का जो तरीका है वो रेडियन है, ये आपके लिए नया होगा क्योंकि ये 10th क्लास में हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो रेडियन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, किसी सर्किल में अगर हम एक यूनिट सर्किल का एग्जांपल लें, यूनिट सर्किल मीन्स जिसका रेडियस 1 हो, और मान लीजिए कोई इनिशियल दे
एक आर्क बनाता है वन यूनिट का और यूनिट सर्किल है, तो जिस सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो वन रेडियन होगा। आई रिपीट, ओ ए मान लीजिए कोई रे है, कोई लाइन है, वो ओ ए लाइन घूमता हुआ एक आर्क बनाता है और वो आर्क वन यूनिट का होता है और इसका पोजीशन अब नया आ जाता है बी पे, तो अब ओ ए जो पुराना पोजीशन था नया पोजीशन हो जाएगा ओ बी। इसने आर्क सिंगल यूनिट का बनाया, रेडियस भी एक है, तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो होगा वन रेडियन का। ये एंटी क्लॉकवाइज था तो हम लोग प्लस वन रेडियन लिखेंगे, सिमिलरली क्लॉकवाइज अगर मोमेंट होता है तो उसको हम लोग माइनस वन रेडियन लिखेंगे। हम और आप सब जानते हैं कि सर्कुमफेरेंस कितना होता है, 2πr, पढ़ाई किए हैं हम लोग। ये पूरा सर्कुमफेरेंस अगर r रेडियस है तो कितना होगा, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, यहाँ पे रेडियस क्या है 1, तो ये हो गया 2 इंटू पाई। आर्क अभी 1 है, रेडियस 1 है, तो हम लोग 1 रेडियन लिख लिए, लेकिन ये पूरा सर्कुमफेरेंस एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, तो कित ओ ए रिवॉल्यूशन होते हुए जो वापस अपनी जगह पे वापस आएगा तो ये कितना डिग्री बनाएगा सेंटर पे, 360 डिग्री सेंटर पे बनाएगा। और आर्क कितना बना रहा है, आर्क हो जाएगा सर्कुमफेरेंस के बराबर, तो 360 डिग्री बनाएगा 2 पाई सर्कमफेरेंस पे। तो हमने क्या सीखा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल साइड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनेगा ओए द्वारा वो कितना एंगल होगा, कितना एंगल होगा, 2 पाई रेडियन। इसको हम लोग और जनरल टर्म में लिखें तो मान लीजिए रेडियस है आर, आर्क बनाया एल और थीटा रेडियन एंगल बनाया सेंटर पे, तो थीटा विल बी इक्वल टू एल बाई आर। आर्क लेंथ ओ ए ने जो एंगल बनाया ओ बी जाते हुए, आर्क लेंथ इसका हुआ एल, रेडियस है आर, तो जो थीटा रेडियन जो सेंटर पे जो रेडियन बनेगा जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाई आर, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप है, आइए देखते हैं। हमने जैसे देखा थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाई आर, एल मीन्स आर्क लेंथ, आर मीन्स रेडियस। जब ओ ए बी से होता हुआ पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो अगर हम डिग्री टर्म में बात करें तो यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री। अगर हम रेडियन टर्म्स में बात करें तो कितना रेडियन बनाएगा, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, कितना बनाएगा, एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, पूरा सर्किल पूरा करने में एल कितना होगा, पहले आर्क लेंथ एल था तो पूरा सर्किल एक रिवॉल्यूशन बाद क्या होगा,
सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, कितना हुआ 2 पाई रेडियन। क्लियर है? तो 360 डिग्री हुआ 2 पाई रेडियन, यहाँ से क्या निकला 1 रेडियन इक्वल टू कितना हुआ 360 डिग्री बाय 2 पाई, इट मीन्स 180 डिग्री बाय पाई। इसका मतलब ये हुआ एक रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। इसको हम लोग अगर 1 डिग्री लिखना चाहें तो क्या होगा, पाई उधर चला जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर है? पाई को हम लोग अगर लिखा जाए वैल्यू के टर्म में तो हम लोग 22/7 लिखते हैं, राइट। डिग्री और रेडियन, जैसे कि क्लास 10 में आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो वहाँ साइन 30, साइन 45 डिग्री, साइन कॉस 60 डिग्री इस तरह पढ़ा होगा। अभी हम लोग रेडियन में भी उसको निकालेंगे, तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिग्री के बारे में जानें और रेडियन के बारे में भी जानें। तो ऐसा ना हो कि हम साइन 30 डिग्री जानते थे उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे या लिखेंगे कैसे, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक सिंपल टेबल बना रहे हैं अभी, जिसमें ऊपर में डिग्री लिखा हुआ है और हम लोग इसको रेडियन में लिखेंगे। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं अभी, 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री, राइट। तो 30 डिग्री कितना हुआ, पाई बाय 6, 45 डिग्री कितना हुआ, पाई बाय 4, 180 बटे 4 कितना हुआ, 4 × 16 = 20, 4×5 = 20, ठीक है। 60 डिग्री कैसे लिखेंगे रेडियन में, पाई बाय 3। उसी तरह 90 डिग्री कैसे लिखेंगे हम लोग रेडियन में, पाई बाय कितना 2। 180 डिग्री क्या होगा, पाई रेडियन। 270 डिग्री कितना होगा, देखिए पाई प्लस पाई बाय 2 मीन्स 3π/2। और 360 डिग्री 2 पाई। क्लियर है? तो ये हमें मदद करेगा आने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में, जहाँ पे जब एंगल रहेगा सिर्फ रेडियन में, तो हम कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मांगा जाता है, या आप फॉर्मूला याद किए हैं साइन 30 डिग्री का और आपसे पूछा जाए कि साइन पाई बाय 2 क्या होगा, साइन पाई बाय 6 क्या होगा। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। समझने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, 6 रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री हुआ, 360 डिग्री, तो हमें 6 रेडियन कितना डिग्री है वो बताना है। 2 पाई रेडियन मिल गया 360 डिग्री, तो एक रेडियन कितना हुआ, 360 डिग्री बाई 2 पाई, तो 6 रेडियन क्या हुआ, 360 डिग्री बाई 2 पाई इंटू 6। तो ये क्या हो गया, 2 × 2 = 6, तो 300, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 10, 1080 डिग्री बाई पाई। पाई मीन्स, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 करते हैं, 1080, यहाँ 22/7 था, तो ये हो जाएगा 1080, 7 ऊपर आया, इंटू 7 बाई 22। अब देखिए 700, 756,
सात एक सात, ये हो गया 22, 22 दिया 66, 96, 22 चौके 88, 8 80, 22 दिया 66, 4 1, 343, 14 बाय डिग्री। अब देखिए इस ये डिग्री में है, अब इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 343 डिग्री प्लस 14 बाई 22 डिग्री, ये हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 14 बाई 22 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिनट में आ जाएगा। तो ये कैसे होगा? 2 11, 2 30, और ये हो गया 14 या 42, 420 बटे 11 मिनट। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 420 और 11, तो 11 तिया 33, 90, 11 अठी 88, 2 38, 2 11 मिनट। तो ये हो गया 343 डिग्री, तो हो गया यहाँ पे आया 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। अब इसको हम सेकंड में तोड़ेंगे, तो सेकंड में तोड़ेंगे क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 2/11 इंटू 60, तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो 120 बटे 11 मीन्स 11, 120 बटे 11 क्या होगा, 11 का 11 10, 0 10, 10 बाई 11 मीन्स अगर इसको किया जाए 11 9 जा 99 1 10.9। तो ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड अप्रॉक्स, क्योंकि इसके बाद भी कुछ कुछ आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रॉक्स। तो 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड अप्रॉक्स, एंड दिस इज द आंसर।